हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा तीन के विषय गणित के सप्ताह आठ की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि ईडीएमसी के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है कुछ लेना कुछ देना तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं क्वेश्चन है निम्न चिन्हों को देख संख्याओं का निर्माण करें और संख्याओं का जोड़ करें तो बच्चों जहाँ पर आए थे कौन से नंबर पर है सैकड़ा पर जहां पर ट्राइंगल है ट्राइंगल क्या है दहाई और स्टार क्या है बच्चों स्टार है एकाई. तो बच्चों अब यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट में कितने आयत हैं कितने स्टार हैं और कितने ट्राइंगल हैं तो यहां पर बच्चों आयत हैं दो यानी कि दो यहां पर हैं और दो यहां पर हैं दो और दो कितने होते हैं चार तो सैकड़ा के स्थान पर क्या आएगा चार अब स्टार बच्चे यहाँ पर दो हैं और यहाँ पर चार हैं तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो गया छः तो स्टार पर हम क्या लिखेंगे स्टार पर है इकाई तो इकाई में लिखेंगे हम छः अब बचता है बच्चे ट्राइंगल ट्राइंगल यहाँ पर एक है और यहाँ पर दो है तो ट्राइंगल किसके लिए है दहाई पर तो दो और एक को मिलाएंगे कितने हो गए तीन तो कुल कितना हो गया जोड़ इसका चार सौ छत्तीस अब ऐसे ही बच्चों अगला सवाल यहाँ पर दो आयत हैं और यहाँ पर एक है दो और एक कितने होते हैं तीन तो सैकड़ा पर लिखेंगे तीन यहाँ पर बच्चों टू ट्राइंगल हैं यहाँ और टू ट्राइंगल हैं यहाँ तो दो और दो कितने होते हैं चार तो दहाई पर क्या लिखेंगे चार उसके बाद तीन स्टार हैं और यहाँ पर फाइव स्टार हैं तो पाँच को और तीन को प्लस करने पर कितने स्टार हो जाएंगे आठ तो इकाई पर कौन सी संख्या होगी इकाई पर होगा अंक आठ तो कितना हो गया कुल तीन सौ अड़तालीस अब है बच्चों अगला सवाल यहाँ पर तीन आयत है और यहाँ पर एक आयत है तीन और एक को प्लस करने पर कितना आता है चार तो सैकड़ा पर क्या होगा चार उसके बाद बच्चों ट्राइंगल यहाँ पर वन है और यहाँ पर थ्री है थ्री और वन को प्लस करने पर कितना होता है फोर तो दहाई पर लिखेंगे फोर उसके बाद है बच्चे यहाँ वन स्टार है और यहाँ पर टू स्टार हैं वन और टू को प्लस करने पर कितना होता है थ्री तो इकाई पर क्या लिखा जाएगा थ्री तो कुल कितना हुआ चार सौ तैतालीस उसके बाद है बच्चों अगला यहाँ पर आयत है देख सकते हैं रेक्टेंगल यहां भी टू हैं तो टू और टू कितने होते हैं फोर तो सैकड़ा पर लिखेंगे हम फोर उसके बाद यहां पर टू ट्राइंगल और यहां भी टू ट्राइंगल हैं तो कितना होता है टू 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 और टू होता है फोर उसके बाद टू स्टार हैं यहां पर और वन स्टार है यहां पर टू और वन प्लस करने पर कितना होता है थ्री यानी कि इकाई पर लिखेंगे हम थ्री अब बच्चों क्वेश्चन संख्या रेखा की मदद से उत्तर लिखें एक सौ अठारह से दो ज़्यादा तो बच्चों देखते हैं यहाँ पर एक सौ अट्ठारह कहाँ हैं ये है बच्चों एक सौ अठारह एक सौ अठारह से दो ज़्यादा करेंगे एक सौ उन्नीस एक सौ बीस तो कितना आएगा एक सौ बीस एक सौ पंद्रह से पाँच ज़्यादा तो बच्चों एक सौ पंद्रह कहाँ पर है रेखा पर एक सौ पंद्रह बच्चों यहाँ पर है एक सौ पंद्रह से हम पाँच ज़्यादा करेंगे एक दो तीन चार पाँच तो क्या आएगा बच्चों तो क्या आएगा एक सौ पंद्रह से पाँच ज़्यादा आएगा तो एक सौ बीस होगा तो यहाँ पर लिखेंगे एक सौ बीस उसके बाद है एक सौ सत्ताईस से सात ज़्यादा तो बच्चों एक सौ सत्ताईस यहाँ पर है एक सौ सत्ताईस से सात ज़्यादा तो काउंट कर लेंगे सात वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो कितना आएगा एक सौ चौंतीस तो यहाँ पर लिखेंगे एक सौ चौंतीस उसके बाद है एक सौ इक्कीस से पाँच ज़्यादा बच्चों यहाँ पर देखेंगे एक सौ इक्कीस ये रहा एक सौ इक्कीस से पाँच ज़्यादा तो काउंट कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव तो कितना आएगा एक सौ छब्बीस तो यहाँ पर लिखेंगे एक सौ छब्बीस एक सौ दो से सत्रह ज़्यादा अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं ये है एक सौ दो इससे काउंट कर लेंगे हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, फिफ्टीन सिक्सटीन और सेवनटीन कितना आया एक सौ उन्नीस तो यहाँ पर लिखेंगे एक सौ उन्नीस अब है बच्चों लुप्त संख्या लिखो यहाँ पर है तीन सौ और फिर है चार आंसर है हमारा तीन सौ चवालीस अब हम तीन सौ और चार को प्लस करते हैं कितना होता है तीन सौ चार तीन सौ चार में कौन सी संख्या प्लस करें कि हम कि हमारा आंसर तीन सौ चवालीस हो तो बच्चों हम इसे दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं हम बच्चों तीन सौ चवालीस में से तीन सौ चार को माइनस कर देंगे फोर में से फोर जीरो फोर का फोर लिख लेंगे और थ्री में से थ्री माइनस करेंगे जीरो तो कितना आया आंसर फोर्टी इट मीन्स हम तीन सौ चार में कितना प्लस करेंगे फोर्टी यानी कि चालीस नेक्स्ट है दो सौ प्लस अस्सी प्लस फिल इन ब्लैंक्स और आंसर है टू हंड्रेड एट्टी नाइन यानी कि दो सौ नवासी दो सौ में अस्सी प्लस करते हैं तो कितना होता है दो सौ अस्सी ये है बच्चों दो सौ नवासी तो हम दो सौ नवासी में से दो सौ अस्सी को माइनस कर देंगे तो कितना आता है नाइन इट मीन्स यहाँ पर नाइन आएगा हमें नाइन और इसमें प्लस करनी है नेक्स्ट है प्लस सेवेंटी प्लस फाइव आंसर है छः सौ पिछहत्तर बच्चों हमें सेवेंटी फाइव में कितने प्लस करने हैं कि आंसर हमारा छः सौ पिचहत्तर हो तो हम छः सौ पिचहत्तर में से पिचत्तर को माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आता है छः सौ यानी कि हमें छः सौ की ओर रिक्वायर है नेक्स्ट है आठ सौ प्लस पचास प्लस स्पेस और आंसर है आठ सौ उनसठ आठ सौ में पचास प्लस, प्लस करेंगे कितना हो जाता है आठ सौ पचास आंसर है हमारा आठ सौ उनसठ तो हम बच्चों आठ सौ उनसठ में से आठ सौ पचास को माइनस कर देंगे तो कितना बचता है नाइन इट मीन्स हमें नौ की ओर ज़रूरत है तो यहाँ पर लिखेंगे नौ नेक्स्ट है सौ प्लस स्पेस प्लस वन और आंसर है एक सौ ग्यारह बच्चों सौ और एक कितने होते हैं एक सौ एक अब हमें एक सौ ग्यारह पूरा करने के लिए कितने नंबर की ओर ज़रूरत है तो इसके लिए हम एक सौ ग्यारह में से एक सौ एक को माइनस कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा दस यानी कि दस नंबर की ओर ज़रूरत है नेक्स्ट है चार सौ प्लस स्पेस प्लस फाइव इक्वल चार सौ पिचासी आंसर है चार सौ पिचासी तो चार सौ में हम पाँच प्लस करेंगे कितने हो गए चार सौ पाँच अब बच्चों हमें कितने नंबर की ज़रूरत है कि हमारा आंसर चार सौ पिचासी हो तो हम चार सौ पाँच को चार सौ पिचासी से माइनस कर देंगे तो कितना बचता है अस्सी यानी कि हमें अस्सी की और ज़रूरत है तो यहाँ पर लिखेंगे अस्सी नेक्स्ट नौ सौ प्लस पचास प्लस स्पेस इक्वल नौ सौ चौवन अब बच्चे नौ सौ और पचास को प्लस करेंगे कितना होता है नौ सौ पचास अब हमें नौ सौ चौवन करने के लिए कितने नंबर की ओर ज़रूरत है यहाँ पर क्या आएगा तो हम बच्चों नौ सौ पचास को नौ सौ चौवन में से घटा देंगे तो कितना बचता है चार यानी कि चार नंबर की ओर ज़रूरत है नेक्स्ट है तीन सौ प्लस स्पेस प्लस छः और आंसर है बच्चों तीन सौ छः तीन सौ और छः को प्लस करेंगे कितना होता है तीन सौ छः तो हम बच्चों यहाँ पर क्या फिल करेंगे यहाँ पर है तीन सौ छः तो तीन सौ छः ये भी बराबर है और ये भी यहाँ पर बच्चों ज़ीरो आएगा इसमें कुछ भी नंबर प्लस नहीं किया जाएगा नेक्स्ट है पाँच सौ स्पेस प्लस पाँच बराबर पाँच सौ पचपन बच्चों पाँच सौ में पाँच प्लस करेंगे कितने हो गए पाँच सौ पाँच तो बच्चे हमें अब कितने नंबर की ज़रूरत है पाँच सौ पचपन करने के लिए तो हम पाँच सौ पचपन में से पाँच सौ पाँच को घटा देंगे तो कितना बचता है पचास यानी कि पचास की और ज़रूरत है यहाँ पर पचास लिखेंगे नेक्स्ट है 400 plus 80 plus तो चार सौ प्लस अस्सी प्लस इस्पेस बराबर चार सौ नवासी तो बच्चों चार सौ और अस्सी को प्लस करेंगे कितने हो गए चार सौ अस्सी अब बच्चों चार सौ नवासी पूरे करने के लिए हमें कितने अंकों की और ज़रूरत है तो हम इसके लिए चार सौ नवासी से चार सौ अस्सी को माइनस कर देंगे कितने बचते हैं नौ यानी कि नौ अंकों की अभी और हमें ज़रूरत है बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू